पंचकुला में देर रात नॉर्थ पार्क होटल में गोली चली है। पूल पार्टी के दौरान दो गुटों में बहस हुई, उसके बाद गोली तक चल गई। गोली लगने से एक युवक घायल भी हुआ है। घायल युवक पीजीआई रेफर कर दिया गया है फिलहाल, और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पंचकुला में कोई पहला मामला नहीं है, पंचकुला में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद है। कोई भी कहीं भी किसी भी तरह की वारदात को अंजाम देता रहा है। सवाल कई तरह के उठे हैं कि चंडीगढ़ से सटा हुआ पंचकुला जब असुरक्षित होगा तो लोग अपने आप को महफूज किस तरह से दूसरे इलाकों में कर पाएंगे। हरियाणा के वारदात लगातार घटती रही है, विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाता रहा है। हरियाणा सरकार कहती है कि ऐसा नहीं है, कोई भी वारदात अगर घटती है उस पर संज्ञान तुरंत पुलिस लेती है और वारदात पहले से कम हुई है, लेकिन असल में रोजाना इस तरह की जब घटनाएं सामने आती है तब जाकर सवाल उठता है कि क्या सिर्फ दिखावे के लिए हरियाणा सरकार दावे करती है, या असल में जो पुलिस प्रशासन है वो सतर्क है, अलर्ट है, या किसी को डर भी है कि नहीं है पुलिस प्रशासन का। कई तरह के सवाल उठते हैं इस तरह के मामलों को देखकर।